जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास हनुमान जन्मोत्सव पर हुई हिंसा के मामले में अब तक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। यहां पर हुई हिंसा में शामिल कुछ लोगों का दिल्ली के दंगे एवं शाहीनबाग से कनेक्शन सामने आ रहा है। ये सनसनीखेज जानकारी दी है भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में एक वीडियो जारी किया है। करीब एक मिनट के इस वीडियो में उन्होंने ये दावा किया है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जितने भी दंगाई पकड़े जा रहे हैं ये सभी लोग दिल्ली दंगे और शाहीन बाग में शामिल थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हुई हिंसा के आरोपी अंसार को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अंसार के कनेक्शन आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद से रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी से जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य आरोपी अंसार यहां से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए लेकर सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद सबसे रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शनिवार को कहा था कि जलूस पर पथराव एक आतंकवादी हमला था, सभी अवैध प्रवासियों के कागजात की जांच की जानी चाहिए और उन्हें तुरंत निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हनुमान जयंती जलूस पर हमला एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था, यह एक आतंकवादी हमला था। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्तियां अब हमलों में शामिल हैं। बता दें कि जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जलूस निकाला गया था जिस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 9 लोग घायल हो गए थे जिसमें 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जान लें कि पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें आरोपी अंसार भी शामिल है। मामले की जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।